जी देखो, बटाला रोड एरिया लेबर सोसाइटी है जिदी प्रेजिडेंट है निशा अग्रवाल, और इन्होंने इतने सिलाई सेंटर लड़कियों वास्ते उन्होंने हेल्प करने वास्ते फ्री सिलाई सेंटर खोलिया, और अपना फ्री पार्लर का कोर्स कराने वास्ते लड़कियों एक सेंटर खोलिया, ताकि जिदे नाल के लड़कियां अपने पैरों पर खड़िया होन और अपना रोज़गार कलों कमा सकन। जिहड़ियां नीडी और गरीब परिवारों दियां बेटियां उन्होंने हेल्प करने वास्ते सेंटर खोलिया गया, और वो वास्ते जड़ी के ऑयल एंड नैचुरल गैस कंपनी है ONGC, वो एक CSR वो एक है जोड़े कि NGOs फंड करते हैं, और समाज सेवा के जोड़े काम ने NGOs जो समाज सेवा की संस्थावान है उन्होंने हेल्प करते हैं, और उन्होंने निशा अग्रवाल की हेल्प की है और इनू समान भेजे ता जो है लड़कियों को कोर्स करा सके, और जाके पिंडा के बीच भी जिस तरह लड़कियों कोर्स कराने सिखाना है, क्योंकि उन्होंने को साधन नहीं है किसी भी किस्म के, ना सिलाई मशीन है उन्होंने को, ना उन्होंने को पार्लर का समान है, और यह समान इतों लैके जाएंगे तो उत्थे जाके लड़कियों ट्रेनिंग देंगे, इन्हें ट्रेनर नाल जाएंगियाँ और उन्होंने कुड़ियों अपने पैरों पर खड़िया करनगियाँ, और कल नूं फिर अपना पार्लर खोल सकदियाँ, सिलाई सेंटर खोल सकदियाँ, सिलाई स्कूल खोल सकदियाँ, घर अपना बुटीक ही खोल सकदियाँ कम से कम। सो इस तरह का एक बहुत ही अच्छा उपराला, बहुत अच्छा काम। निशा अग्रवाल बहुत ही मेहनती और बहुत पुरानी समाज सेविका है, और आज बहुत एक अच्छे काम वास्ते इन्हें एक बहुत बड़ा प्रयास किया, वो सा फर्ज बनता कि असं हेल्प करिए। मेरा नाम निशा अग्रवाल है, मैं बटाला रोड एरिया लेवल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, और मैं आज ONG की डायरेक्टर श्रीमती रीना जेटली का बहुत बहुत धन्यवाद बात करती हूँ कि मैंने ये एरिया लेवल सोसाइटी में 4 मशीनों से काम शुरू किया था, और आज इनके सहयोग से मैंने इनके पास अपना प्रोजेक्ट लगाया था, और मेरी सभी बहनों की, क्योंकि सोसाइटी के सभी मेंबर्स हैं, सभी बहनों के सहयोग से सब करके दीदी को मैंने प्रोजेक्ट तो लगवाया था इनके वहाँ पर, तो ये मेरा पास हुआ है। और मेरे को एडवांस तकनीक, क्योंकि एक जो हम लोग बेसिक होता है, बेसिक में तो लोग घर घर भी सिखा देते हैं कि भाई मेरे को सिलाई आती है, मुझे पार्लर आता है, लेकिन जब भी हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं उस आज का कोई लड़की अगर अमृतसर से दिल्ली जैसे शहर में चल जाती है और उसे सिलाई आती है, उसे नॉर्मल आती है, तो वो किसी फैशन हब में काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने इनसे डिमांड करी थी कि हमें एडवांस तकनीक की मशीनें दी जाएँ, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इनको हर चीज़ सिखा सकें, कढ़ाई सिखा सकें, बटन मशीन पर कैसे लगते हैं, कटर कैसे चलता है, मतलब जो भी है एडवांस तकनीक के। तो इसके लिए मैं रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। NGO सर्टिफिकेट भी देते जाएंगे, और हम साल हमारे कोर्सेज हैं, हम सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, क्योंकि ONGC एक सरकारी संस्था है, तो इसके सर्टिफिकेट भी जो होंगे सरकारी के तौर पे गिने जाएंगे। हमारे पास जो भी आ सकता है, किसी भी शहर से हमारे पास आ सकता है, जैसे अब हमारे पास हिमाचल की लड़की आई हुई अपने मायके में, वो कहती है मैंने सीखना है, तो उसको हम सिखाएंगे, कोई दिल्ली जैसे शहर की रिश्ते वो भी आएंगे रूरल एरिया में, जो अगर हमारी सोसाइटी में जो भी आएगा उसका वेलकम है, और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अच्छे से अच्छी, क्योंकि जो हमारी टीचर सिलाई मैडम है वो क्या कहते हैं IIT पास है, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और जो हमारी पार्लर वाली है इन्होंने भी रियान से क्या क्वालिफाइड है, क्योंकि जो भी एडवांस तकनीक में था उससे क्या कहते हैं पूरी जानकारी होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, तो इस तरीके से हम सिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा करें। और एक हमारा ये भी था ड्रीम प्रोजेक्ट कि हम गाँव के अंदर जाते हैं, तो गाँव के अंदर सब माँ बाप काम पे चले जाते हैं लड़कियाँ अंदर, तो हमने ये सोचा था कि हम वहाँ पर जाके सरपंच से प्रधान से जो भी होंगे उनसे बात करके कि भाई इन लड़कियों को हम अपनी 2 मशीनें ले जाया करेंगे वहाँ पर, पार्लर का थोड़ा सामान ले जाया करेंगे, विजिट कर लिया करेंगे हफ्ते में 3 बारी, क्योंकि कुछ काम होते जो हम 2-2 होमवर्क जो होता है 2-2 घंटे 2-2 दिन बाद होता है, तो वो उस तरीके से हम